राजभर जी आज बड़ी बड़ी बातें किए थे कि 80 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे और मांगे नहीं मानी गई आज अलग थलग होंगे, क्या हुआ सब? 26 तारीख को 80 सीट पे चुनाव लड़ा जाएगा और जिस बात को लेकर के हम 24 तारीख को कार्यक्रम रखे थे उसमें वार्ता 19 को हुई, बहुत सी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है, कुछ चीज़ों पे बहस हो रही है, 26 तक वो तय हो जाएगा। हमने आपसे बार बार यही कहा हूँ कि हमारी बात यदि नहीं मानी गई तो हम 80 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, कुछ चीज़ों पर वो 26 तारीख को फैसला हमारा उनका हो जाएगा। ये रैली किसके लिए थी, किसको चाहिए दिल्ली जाने के लिए? देखिए ये मंडल सबसे बड़ी बात तो ये मंडल स्तरीय हम भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी आंदोलन मंच का मंडल स्तरीय अति पिछड़ा अति दलित महासम्मेलन हर जगह कर रहे हैं, उसी में इसको रखे थे। उसमें ये जरूर हमने कहा था कि 24 तारीख तक हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम 24 तारीख को अकेले चुनाव लड़ने के लिए हम घोषणा करेंगे। मंत्री जी आप नरम पड़ते जा रहे हैं धीरे-धीरे। हम कभी नरम नहीं रहते, हम हमेशा गर्म रहते हैं। देखिए हम जिसके लिए लड़ रहे हैं अगर उसका हित हो जाए तो फिर हमको गर्म होने की क्या जरूरत है। बात सुनी जाएगी, बहुत सी चीजें आपको 26 तारीख को मिलेगा कि अभी तक जो मुझे मैसेज है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये खबर है कि आपकी लगभग 80% बातें मान ली गई हैं, कार्रवाई में हो रहा है और 26 तारीख को सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। मंत्री जी एक चर्चा और भी चल रही है कि आपकी पार्टी लोकसभा से नहीं बन पा रही, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? अभी तक तो सीटों के संबंध में कोई बात ही नहीं हुई है, सही बात तो ये है क्योंकि उसके अपनी पार्टी के मालिक हम हैं, हमारे सामने अभी तक कोई ऐसी बात भी नहीं। हमारे जो नेता गए वार्ता में तो सीटों के संबंध में वार्ता के लिए नहीं, जैसे कार्यालय को लेकर के था तो कार्यालय आप लोगों ने देखा कि एक विधायक के नाम पे कुछ टेक्निकल चीज़ें थी अलाट हुआ है, निगम की बात थी तो निगम के संबंध में कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मांगे गए इन लोगों से किसको किसको बनाना करना है तो वो चीज़ें दी गई हैं और जो चीज़ें हम लोगों की थी वो उसमें बहुत सी चीज़ें कर दी गई हैं और 26 तारीख को सीटों के भी संबंध में बात हो गई। कितने सीटों पर लड़ाएंगे आप? वो तय होगा अब तब ना बताएंगे, तैयारी तो 80 सीट पर है। 26 नहीं, बात तो अब उस दौर में पहुंच चुकी है कि हमको लगभग 90% उम्मीद हो गई है कि जिस तरह बढ़ करके मुख्यमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी माननीय दिनेश शर्मा जी जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं उस तरह हमको इस ये उम्मीद है कि 26 तारीख तक सब ठीक हो जाएगा।